हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम वैशाली खेकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इट रेफर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वो साथ में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? दे कम्युनिकेट बिटवीन देम ओवर अ नेटवर्क। अब इन सबको कनेक्ट क्या कर रहा है, एक नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, राइट? अब मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी, बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, वो अपने अपने कंप्यूटर में इस प्रॉब्लम को खोलेंगे और अपने अपने कंप्यूटर में इसको सॉल्व करेंगे। बट अब मैं सेम प्रॉब्लम पर और दूसरा पर्सन सेम प्रॉब्लम पे काम ना कर रहा हो, इसीलिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट these problems on the internet. So सारे computer internet पर connected रहेंगे, तो अगर मैं कुछ चीज़ कर रही हूँ तो सामने वाले को दिखेगा कि ये problem solve हो रही है, I should work on another thing, right? So it is a computing technique which allows multiple computer to communicate. सारे computers communicate कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे कि एक single problem को solve किया जा सके। So एक जो computation task है वो faster हो जाएगा, एक computing faster हो जाएगी than using a single computer as it takes a lot of time. एक computer से तो बहुत time लग जाएगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो व्हाट वी डू, वी टेक द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड वी सॉल्व इट ओवर द इंटरनेट। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सिंगल टास्क अमंग द कंप्यूटर्स। एक ही टास्क को बहुत सारे कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रोग्रेस देख पाए वर्क का सेम टाइम पर। एक टाइम पर कितना प्रोग्रेस हो गया, हर पर्सन को पता लगे कि कितना काम हो चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक फीचर है। रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हो सकती है, हम रिमोट प्रोसीजर कॉल्स कर सकते हैं, रिमोट मेथड इन्वोकेशन कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस। नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग विल लुक लाइक। यहाँ पर एक प्रोसेसर है, लोकल मेमोरी है, यहाँ पर एक प्रोसेसर है, लोकल मेमोरी है, प्रोसेसर लोकल मेमोरी, प्रोसेसर लोकल मेमोरी, प्रोसेसर लोकल मेमोरी। तो यू कैन सी यहाँ पर पांच प्रोसेसर विद लोकल मेमोरी, मतलब पांच हमारे पास लोकल कंप्यूटर है, सब एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ये सारे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज और सर्विसेज। ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज और सर्विसेज मिलेंगे, जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा ओवर द इंटरनेट। हमें जो भी रिसोर्स चाहिए वो हमें इंटरनेट पे मिल जाएगा, राइट? अब ये जो रिसोर्स हैं आईटी रिसोर्स हैं, जैसे कि सर्वर मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक मेथड है जिससे कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनॉमस कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है सब ऑटोनॉमस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर ओवर अ इंटरनेट, नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी सेड एज अ कंप्यूटिंग टेक्निक दैट डिलीवर्स होस्टेड सर्विस ओवर द इंटरनेट टू इट्स यूजर्स और कस्टमर्स, राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, एक इट्स अ कंप्यूटिंग टेक्निक जिससे होस्टेड सर्विसेज हम इंटरनेट से यूजर्स और कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जो होस्टेड सर्विसेज रहेंगी, सर्विसेज मैंने आपको पहले ही बता दी, बहुत सारी सर्विसेज आईटी सर्विसेज हैं, ये हम यूजर्स और कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग टेक्निक विच अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड वर्क टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसा कि पहले ही बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर ऑटोनॉमस कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे, एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग चार डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, राइट? अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव सिस्टम, राइट? अब इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इलास्टिसिटी है, रिलायबल है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स है, राइट? अगर मेरे को स्केलेबिलिटी इंक्रीज करनी है, आई कैन इंक्रीज ऑन माय पर्टिकुलर डिमांड, राइट? मैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग स्केलेबिलिटी कर सकती हूँ। एक्सेस थ्रू द ग्लोबल मार्केट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एटसेट्रा। क्लाउड कंप्यूटिंग
ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि हम लोगों को उससे यूज़ आईटी सर्विसेज को यूज़ करके वी कैन मेक आर लाइफ ईजियर, लाइक वी कैन गेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट. सो ऑल ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू इंटरनेट. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि वी कैन हेल्प टू अचीव कंप्यूटेशनल टास्क मोर फास्टर, राइट. यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सर्विसेज मिल रही थी, यहाँ पर हम कोई कंप्यूटेशनल टास्क को ईजिली कर पा रहे हैं, फास्टर कर पा रहे हैं यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल ऑटोनॉमस कंप्यूटर. जो एक सिंगल कंप्यूटर से बहुत टाइम लगता है, हमने उसी टास्क को बहुत फास्ट कर दिया है. द गोल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड एन ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट ऑन पे पर यूज मॉडल. ऑन डिमांड सर्विसेज मिल जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से, ऑन डिमांड सर्विसेज. लाइक अगर मेरे को एक पर्टिकुलर सर्विस की कभी डिमांड है, आई विल गेट दैट सर्विसेज दैट टाइम ओनली. पे पर यूज मॉडल विच मीन्स मैंने अगर एक घंटे के लिए एक सर्विस यूज करी, आई विल बी चार्ज फॉर दैट आर ओनली, आई विल नॉट बी चार्ज फॉर फुल मंथ और फुल ईयर, राइट. सो दिस इज पे पर यूज मॉडल. अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की. द गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल टास्क अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स. एक ही टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स में दे दिया और ये क्विकली सॉल्व हो गया बाय मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, राइट. तो यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिल जाता है, शेयर्ड पूल मिल जाता है, जैसे कि एक ही साथ बहुत सारे लोग एक ही पर्टिकुलर फाइल में एडिटिंग कर पाते हैं. ऑन डिमांड सर्विसेज मिल जाता है, पे पर यूज मॉडल है ये, देन इट इज़ प्रोविजन बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सिंगल टास्क अमंग कंप्यूटर टू प्रोग्रेस द वर्क एट द सेम टाइम. जो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, रिमोट मेथड इन्वोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस कैन इजीली बी देयर. जो डिसएडवांटेज हैं, इट इंक्लूड्स फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग कंट्रोल कम हो जाता है इन द केस ऑफ पब्लिक क्लाउड में कोई भी आकर चेंजेस कर सकता है, तो देयर इज लेस कंट्रोल, सिक्योरिटी कम है पब्लिक क्लाउड में. रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबल सर्विसेज मे बी फेस्ड, कुछ सर्विसेज में रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है एंड क्लाउड सिक्योरिटी का इशू आ सकता है. डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स द चांस ऑफ फेलियर ऑफ नोड्स. कोई भी नोड फेल हो जाएगा जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑटोनॉमस कंप्यूटर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल हो जाएगा. स्लो नेटवर्क कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग. आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट द डाउट इन द कॉमेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स यू कैन गो टू आर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.